स्टूडेंट प्रणाम। चैप्टर 7 सोच अपनी अपनी। आज हम हमारा चैप्टर नंबर 7 सोच अपनी अपनी पढ़ेंगे। पाठ का प्रकार है वाद विवाद। शाला में आपने वाद विवाद प्रतियोगिताएं देखी होंगी। इसमें कुछ विद्यार्थी किसी विषय के एक पक्ष में बोलते हैं तो कुछ विद्यार्थी विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। इस पाठ में कुछ ऐसे ही विषय दिए गए हैं, विद्यार्थियों को इनका समर्थन या विरोध करना है और उसके कारण भी बताने हैं। तो चलो हम चलते हैं पाठ की ओर। दो चित्र दिए गए हैं, दोनों चित्र भिन्न भिन्न जगहों के हैं। एक चित्र में गांव की जीवन शैली दिखाई दे रही है, दूसरे चित्र में शहर की व्यस्तता दिखाई दे रही है। हम बात करें चित्र नंबर 1 की, तो यहाँ पर पहाड़ के पीछे से सूर्य उदय होते हुए दिख रहा है। पहाड़ की ओर से एक नदी बहती दिखाई दे रही है। नदी के किनारे 3-4 कच्चे मकान दिख रहे हैं। एक स्त्री नदी में बर्तन धो रही है, एक बालक नदी के पानी में स्नान करने का आनंद उठा रहा है। एक स्त्री गड़ा पकड़कर खड़ी हुई है और नदी के दूसरे तट पर एक कुम्हार मटकियाँ बना रहा है। यह सब पहले चित्र की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। वहीं हम बात करते हैं हमारे दूसरे चित्र की। यह चित्र शहर का है। यहाँ पर बड़ी बड़ी पक्की इमारतें दिखाई दे रही हैं। एक पक्की सड़क पर वाहनों की आय जाय हो रही है। सड़क के किनारे 2 व्यक्ति खड़े हुए नजर आ रहे हैं। दिए गए चित्रों पर से हमें नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हमारा पहला प्रश्न है, दोनों चित्र में क्या अंतर है? हमने आगे बात की थी उसी तरह दोनों चित्र में से एक चित्र गांव का और दूसरा शहर का है। गांव के चित्र में नदी है, उसके घाटों पर नहाते, कपड़े धोते, पानी भरते और काम करते लोग हैं। गांव में कच्चे घर हैं, लोग मामूली कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन गांव में बड़ी शांति का वातावरण है। शहर के चित्र में चौड़ी और 2 तरफा सड़क है, पक्के मकान हैं, सड़क पर वाहन चल रहे हैं, वाहनों के कारण शोर है, लोग आधुनिक वेशभूषा में हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा जीवन रुचिकर लगता है, क्यों? गांव के जीवन में सादगी सरलता है, किसी तरह की बनावट और तड़क भड़क नहीं है। लोग शांति से अपने अपने काम करते हैं, नदी कुएं का पानी पीते हैं, वे अपने खेतों में उगाया अनाज तथा ताजी सब्जियां खाते हैं। लोग कच्चे घरों में रहते हैं पर उनका जीवन प्रकृति के बहुत नज़दीक होता है। नगर के जीवन में तड़क पड़क और बनावट अधिक होती है, लोग आधुनिक और फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, वे पक्के मकान में रहते हैं, वे नल का पानी पीते हैं और बाजार से अनाज तथा फल सब्जी खरीद कर खाते हैं। नगर की सड़कों पर वाहनों का हमेशा शोर होता है, लोग दुकानों, बैंकों और दफ्तरों में काम करते हैं। नगर के जीवन में शांति नहीं होती, लोगों का जीवन प्रकृति से बहुत दूर होता है। शहर का जीवन में अनेक दोष हैं, फिर भी मुझे यहाँ का जीवन ही पसंद है। यहाँ के लोग शिक्षित और प्रगतिशील होते हैं। नगर में अच्छे स्कूल और कॉलेज होते हैं, इनके कारण मनपसंद शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा सकती है। अनेक संस्थाएं, पुस्तकालय आदि व्यक्ति की योग्यता बढ़ाने में सहायक होते हैं। उन्नति के जितने अवसर नगर में हैं उतने गांव में नहीं, इसलिए मुझे नगरीय जीवन ही रुचिकर लगता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं होता। तालाब चारों ओर से बंद होता है, उसमें चारों ओर से बाहर की धूल मिट्टी गिरती है, पेड़ों के पत्ते गिरकर सड़ते रहते हैं, लोग तालाब के किनारे कपड़े धोते हैं और जानवरों को नहलाते हैं। यह सारी गंदगी तालाब के जल को दूषित कर देती है। यह दूषित जल पीने से हैजा, पैचिस आदि तरह तरह की जानलेवा बीमारियां होने की पूरी संभावना होती है।
इसलिए तालाब का जल पीने के योग्य नहीं होता। जो चित्र दिया गया है उस चित्र का वाद विवाद यहाँ समाप्त होता है। ठीक उसी तरह हमारा दूसरा चित्र है, बहुत दूर जन्म ले रहा है धरती जैसा ग्रह। यह चित्र आधार पर हमें नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर देने हैं। यह चित्र अंतरिक्ष संबंधित है, तो चलो हम नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष के किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित हैं? इसका आंसर है, वैज्ञानिक इस घटना से उत्साहित हैं कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा एक नया ग्रह जन्म ले रहा है। हमारा दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है? आंसर है इसका, पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए यह आवश्यक है कि अंतरिक्ष में पानी मौजूद हो, इसके साथ धूल मिट्टी की परत हो, ऐसी चट्टाने हो जिनसे पृथ्वी की ऊपरी परतों का निर्माण हुआ है। यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 7 सोच अपनी अपनी समाप्त होता है। आपको समझ में आया होगा। प्रणाम।